ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने प्रकृति तख्त से निकलकर अपने अनादि स्वरूप परम धाम में जा रही हूँ। इस सुनहरे प्रकाश में, इस शांति की दुनिया में ऊंचते ऊंचे बाबा, ऊंचते ऊंचे स्थान पर हैं। शिव बाबा बिंदु स्वरूप हैं और मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ। निराकार शिव बाबा पतित पावन हैं, ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, चैतन्य हैं, सृष्टि के रचयिता शिव बाबा हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हैं। मैं आत्मा बेहद के बाप को याद कर सच्ची सच्ची कमाई कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में सतयुगी दुनिया में अवतरित हुई हूँ। ये सतयुगी सुबह बहुत ही प्यारी और न्यारी है। मैं आत्मा अपने देव स्वरूप में स्थित हूँ। इस विष्णुपुरी में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। इस राज्य में एक धर्म है, लक्ष्मी नारायण यहाँ सबसे बड़े किंग और क्वीन हैं। इस अतो प्रधान दुनिया में मैं आत्मा बहुत सुख शांति की अनुभूति कर रही हूँ। द्वापर से मैं आत्मा अपने इष्ट स्वरूप में स्थित हूँ। यहाँ भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए पूजा आरती आदि हो रही हैं, बड़े बड़े मंदिर आदि बन रहे हैं। भक्त अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं, भगवान मेरे द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करा रहे हैं। मैं आत्मा बहुत श्रद्धा भाव से एक शिव की भक्ति कर रही हूँ। अब नीचे उतरते उतरते व्यविचारी भक्ति शुरू हो गई है। अब हम आत्माएं पतित बनते जा रहे हैं। अब संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, वह अब हमें पढ़ाने आया है। अब हम बहुत बड़े बाप के बच्चे बने हैं। स्वयं शिव बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने आए हैं। इस संगम पर हम
बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हम सत्य नारायण की कहानी सुन रहे हैं। इस समय हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी बातें हैं। अब हम सच्चे सच्चे महावीर बन गए हैं। अब बाबा हमें साथ ले जाने आया है। अब मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ चलती हूँ अपने अव्यक्त वतन में। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बाबा से शक्तिशाली किरण लेकर मैं फरिश्ता शक्तिशाली बन गया हूँ। मैं कल्याणकारी आत्मा बन गई हूँ। मैं फरिश्ता विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कर रहा हूँ। मैं आत्मा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा महीनता में जाकर महान आत्मा बन गई हूँ। डबल अहिंसक बन गई हूँ। अब मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके शिव बाबा के पास पहुँच गई हूँ। ओम शांति।